और बड़ी खबर आपको बता दें, वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर में आज से सर्वे शुरू किया जाएगा। एएसआई की टीम सुबह 7 बजे ज्ञानवापी परिसर पहुंचकर अपना वैज्ञानिक सर्वे की शुरुआत करेगी। इसके लिए एएसआई की टीम दिल्ली, पटना और आगरा से रविवार रात को ही वाराणसी पहुंच गई है। देखिए, जानकारी के मुताबिक एएसआई को 4 अगस्त तक अपनी सर्वे रिपोर्ट वाराणसी की अदालत को सौंपनी है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं, ज्ञान वापे परिसर में आज से सर्वे शुरू किया जाएगा। साथ ही 4 तारीख को जब रिपोर्ट पेश की जाएगी तो ये बताया जाएगा कि आखिर सर्वे किस तरीके से किया जाएगा। और इसके लिए बकायदा टीम जो है वो दिल्ली और पटना से पहुंच चुकी है। कल देर रात ही वाराणसी पहुंची और आज सुबह 7 बजे से इस सर्वे की शुरुआत की जाएगी। अब से कुछ आधे घंटे बाद इस सर्वे की शुरुआत की जाएगी, क्योंकि देखिए अब इन सबके बीच में सबसे बड़ी बात यह है कि मुस्लिम पक्ष जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है और ये अनुरोध किया गया है सुप्रीम कोर्ट से जल्द इस मामले पर सुनवाई की जाए। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अमित सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमित, कितनी देर बाद सर्वे शुरू किया जाएगा? आधे घंटे बाद, यानी 7 बजे जो है एएसआई सर्वे टीम जो है वो ज्ञानवापी परिसर में दाखिल हो जाएगी और तकरीबन 30 मेंबर बताए जा रहे हैं एएसआई टीम में है, जो कि दिल्ली, आगरा और लखनऊ से हैं एएसआई टीम के सदस्य, और ये जाकर अंदर सर्वे करेंगे। बहरहाल देर रात तक हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्षकारों के साथ लगातार प्रशासन जो है वो बैठक करता रहा और इस बीच हिंदू पक्षकार ने जहां एएसआई सर्वे का स्वागत किया है तो वहीं मुस्लिम पक्षकार ने असहमति जताई है और कहा है कि सर्वे अभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज यानी सोमवार को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर वो सुनवाई होगी, वो अपील जिला अदालत के फैसले के खिलाफ अपील करेंगे। बहरहाल थोड़ी देर बाद एएसआई सर्वे शुरू होगा और देखना होगा कि जब सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग होती है तो सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख होता है इस पूरे मामले में। जी अमित, क्योंकि हमने पिछली बार भी देखा था कि जब टीम्स वहां पर पहुंची थी, गौरी श्रृंगार का जब पूरा मामला चल रहा था, उस वक्त भी सुरक्षा को लेकर प्रशासन सबसे ज्यादा चिंतित था। अब जब आज एएसआई की टीम वहां पर पहुंच रही है तो क्या सुरक्षा के कुछ खास इंतजाम किए गए हैं? बिल्कुल, सुरक्षा के इंतजाम काफी किए गए हैं और गोदौलिया चौराहे से लेकर अगर हम बात करें तो पूरे वाराणसी सबसे पहले तो हाई अलर्ट पर है और इसके अलावा अगर हम बात करें तो गोदौलिया चौराहे से लेकर ज्ञानवापी परिसर तक हर तरफ कोने कोने में पुलिस के जवान तैनात है। यानी किसी भी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को खराब नहीं होने देना चाहते हैं, क्योंकि देखिए आज एक तो सावन का महीना चल रहा है, सोमवार है, ऐसे में हजारों की तादाद में श्रद्धालु जो है देश के कोने कोने से काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे हुए हैं। तो दूसरी तरफ सर्वे होना है एएसआई सर्वे और वो भी ज्ञानवापी परिसर का, तो ऐसे में कहीं लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब ना हो। और जैसे हमने पिछली बार देखा था कि हर तरफ पुलिस के जवान तैनात थे, तो इस बार भी एडिशनल फोर्स दूसरे जिलों से लगाई गई है, चाहे वो आगरा हो, चाहे वो गाजीपुर हो, चाहे वो मिर्जापुर हो, जो आस पड़ोस के जिले से एडिशनल यूपी पुलिस के जवानों को यहाँ पर बुलाया गया है, अधिकारियों को बुलाया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी रिजर्व के तौर पर रखा गया है, तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जी ठीक है अमित, नजर बना के रखिएगा, फिर लौटेंगे आपके पास। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो अब से आधे घंटे बाद सर्वे की शुरुआत हो जाएगी, जिसके लिए सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं।